नमस्कार, वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। आज तक हमने देखा है कि घर की रचना में कहां पे क्या होना चाहिए। खास करके मास्टर बेडरूम में मैंने आपको बताया है कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, ये वास्तुशास्त्र कहता है। लेकिन रियल लाइफ में आपके घर में आपकी मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होगी ही, ये मालूम नहीं है। और अगर वो गलत दिशा में है तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपके घर में बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निराकरण किया जा सके। तो सबसे पहली बात यह है कि साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम हमारे जीवन को स्थैर्य प्राप्त करके देता है, यानी स्टेबिलिटी देता है। घर का जो मुखिया है, प्रमुख है, वो स्टेबल, कॉन्फिडेंट, एक परफेक्ट लीडर के रूप में अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। अगर लेकिन आपका मास्टर बेडरूम आपके पूरे घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो मान लीजिए ये मुखिया हमेशा बहुत ही शांत, उससे भी ज्यादा बढ़कर मैं कहूंगा बहुत ही ठंडे नेचर का होगा। एक सात्विक प्रवृत्ति उनमें ज्यादा हो सकती है। हमेशा वो अस्वस्थ, अनस्टेबल, बेचैन और उन्हें निर्णय लेने में हमेशा देरी होगी। उसी तरह अगर आपका मास्टर बेडरूम अग्नि कोण में यानी अगर साउथ ईस्ट दिशा में है, तो यकीनन ऐसी व्यक्ति गर्म दिमाग होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड, बार बार गुस्सा आना, ये बातें इनमें ज्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ अग्नि से जुड़े हुए यानी जैसे एसिडिटी या इंडाइजेशन, आंखों की तकलीफ, ऐसी कुछ बीमारियां तकलीफ इन्हें जरूर दे सकती है। नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम होना चाहिए यानी स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ये अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका बेडरूम वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, तो वहां पे वायु का प्रभाव है, यानी इस रीजन में सोने वाली व्यक्ति में चंचलता, यानी किसी भी उनकी कामकाज में एक कंसिस्टेंसी ना होना। साथ ही साथ इस मियां बीवी में बिना किसी वजह बात बात पर नोकझोंक होना, उसी तरह इस दाम्पत्य को जेलसी यानी मत्सर का अन्य लोगों से तकलीफ होना, ये बातें जरूर हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि आपके घर में आपका मास्टर बेडरूम अगर ईशान कोण में या अग्नि कोण में या वायव्य कोण में, या अगर आपका आपके घर के सेंटर में अगर आपका मास्टर बेडरूम आया है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं और ये सारी परेशानियां आपको आ सकती है। लेकिन इसलिए व्यथित होने की जरूरत नहीं है। भारतीय वास्तुशास्त्र बहुत ही प्रगल्भ है। हमारे यहां हर वास्तु दोष और वास्तु दोष के माध्यम से आने वाले सभी दुष्परिणामों पर उपाय है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके वास्तु में, भले वो आपका घर हो या ऑफिस फैक्ट्री हो, बिना किसी तोड़फोड़ के पिरामिड्स, यंत्र, क्रिस्टल्स, स्पिरिचुअल सिंबल्स, इनके माध्यम से वहां पे रेमेडीज द्वारा उपाय योजनाओं के माध्यम से वास्तु दोष निराकरण करके आपकी वास्तु आपके लिए फलदायी बन सकती है, बशर्ते इस वास्तु का वास्तु विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण होना और उपाय करना बहुत जरूरी होता है। इन शॉर्ट, मास्टर बेडरूम गलत जगह पे दुष्परिणाम, लेकिन उपाय योजनाओं के माध्यम से उन्हें हम जरूर पॉजिटिव कर सकते हैं।